दोनों एक जैसी? दोनों एक जैसी है। ये अंकल जर्सी में हीफर्स है, बहुत कम मिलती है। हमारे इधर फार्मर बेचता नहीं अपनी हीफर। जर्सी की तो बिल्कुल नहीं बेचता, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास 4-5-6 जर्सी होती है और उसमें 1-2 हीफर्स होती है, वो सेल नहीं करते। तो ये कितनी उम्र की है? ये अभी 17-18 महीने की है, 18 महीने की। वो भी, हाँ जी, प्रेग्नेंट है ये, 4 महीने की प्रेग्नेंट है। 40-152 की है डेनमार्क, 40-148 लगा है, और साथ वाली गूस की है, वो 6 महीने की प्रेग्नेंट है, उसको लेजर लगा हुआ है। नहीं, अब ऐसा कई बार ना प्रेग्नेंट हो गई है, हाँ जी, जब वहाँ ले जाते हैं वो कहते हैं खाली निकल गई। नहीं, ये तो पूरी गारंटी से है, अगर किसी की खाली निकल जाएगी गाय, तो उसको गाय के बदले दूसरी गाय मिलेगी। तो ये कितना दूध दे देंगी? ये दे देगी फर्स्ट लैक्टेशन में 20 के आसपास, पहली बार में 20 लीटर देने वाली है। वो दोनों ही, दोनों ही ऐसी, दोनों फर्स्ट में है, 20-20 लीटर इजीली दे देंगी। तो क्या दाम होगा? दाम ऐसे है, हमारे पास और भी 2-3 है, लोट में देंगे हम। अच्छा। अकेली अकेली नहीं सेल करेंगे। 5 है जैसे? 5 है। हाँ। तो फिर लोट में देंगे हम। क्या बोलोगे लोट में? वो मौके पे अंकल, ये अभी कोई डिसाइड नहीं किया हमने, थोड़ा समय दे दीजिए। नहीं, आपसे कोई चोरी नहीं है, कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे है अभी, तुम कितना सोचते हो? नहीं, हम तो कुछ नहीं, हम तो ये सोचते हैं अगर ये किसी के घर पे जाके अच्छा दूध दे दे, हमारा नाम बन जाएगा, कोई 2-4 हजार 5 हजार कीमत की कोई बात नहीं। हाँ जी, क्या सोचते हो भाई? कुछ नहीं सोचते। कितने में जाएंगे? देखो, है तो 3 लाख की, बाकी जो मौके पे होगा 5। 2 लाख की नहीं देते? नहीं, 2 की तो 3 भी कम बोल रहा है ये। अच्छा, हाँ, 3 कम बोल रहा है। हाँ जी, ये 2 आ गई। हाँ जी जी, तो ये तो बहुत छोटी है, ये अभी इसकी एज भी बहुत कम है। कितनी है? 11 महीने की है। हाँ। हीट में आई थी तो हमने, तो आ गया, फिर कई बार झूठ बोल जाता है। नहीं नहीं, झूठ क्यों बोलेगा, अब नहीं बोलेगा ना तुम। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये कितने देर की है? ये 11 महीने एज है अभी इसकी, हीट में आ गई थी। हाँ। लेकिन AI नहीं करवाई इसकी, क्यों नहीं करवाई? मेरे को अच्छा सीमन नहीं मिला जर्सी का, वो दिन जिस दिन हीट पे थी और कस्टमर मेरे पास दूसरे, और वैसे एज भी इसकी कम है। अगर अभी AI कराएंगे तो ज्यादा हाइट नहीं निकालेगी, थोड़ी वेट करके करवाएंगे 12 से 15 महीने के बीच, तो अच्छी इसकी ग्रोथ भी हो जाएगी और दूध भी अच्छा देगी। 11 महीने की? 11 महीने। हाँ जी। और ये दूसरी? ये साथ वाली, ये 2 साल की है। ये 2 साल की? हाँ, ये भी 6 महीने की प्रेग्नेंट है। तो ये 2.5 साल पे जाके भी आएगी? हाँ जी, 2.5 पे भी आएगी। कितने दांत है? ये 2 दांत हो गई है। अच्छा, ये 2 दांत हो गई है। कितना दूध देगी ये भी? 20+ करेगी। तो ये 5 जो है आप 3 लाख की बता रहे हैं? हाँ जी, 3 लाख की। क्या कहोगे इसके बारे में? गाय दोनों ही बहुत अच्छी है भी इम्पोर्टेड ब्रीड की, लेकिन ये मंडी से खरीदी है, इनका सीमन नहीं पता, ये खुद कौन से की है या आगे कौन सी है, ये हमारा अनुभव बताता है। ये गाय 30-30 लीटर दूध आराम से देगी। दोनों गाय? तो कौन सी ब्याज में? सेकंड है दोनों, उनके हिसाब से? नहीं, हमारे हिसाब से ही, गाय देख के हम जो बताते हैं ना, पैर देखो, हर चीज, दांत भी नहीं देखे, कुछ नहीं देखा, कुछ पिछला रिकॉर्ड, ये हमारा अनुभव बताता है। ये दूसरे लैक्टेशन में है और इतना ये दूध करेगा। क्या दाम होगा? क्या दाम है? विशाल जी ने खरीदी है। हाँ जी, क्या दाम होगा? दाम दे देंगे दोनों 90-90 की। कितना दूध बताया? दूध 30-30 से देंगे, आराम से। कम नहीं करो? नेगेटिव बोल दिया, 30 लीटर दूध तो 35 भी निकाल सकते हैं। हाँ जी, ब्रीड बहुत, नहीं 2-4 हजार ऊपर नीचे कर लेंगे, कोई 85 तक आ जाएगी, 170 की आ जाएगी, 160 की। लेकिन गाय बहुत अच्छी है, जो भी किसान लेगा उसका मरेगा नहीं, दूध वाली है। कमजोर नहीं, थोड़ा बॉडी स्कोर कम है, क्योंकि उसने दूध निकाला होगा ना पहले बेहतर में पूरा, इसीलिए थोड़ा, कई किसान अंकल वही बात आ गई ना, फीडिंग पे आ जाता है सारा, फिर वही काम। जब अपने मिनरल मिक्सचर, टॉक्सी वाइंडर या ये चीज़ें हम डालते हैं ना, तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन जाता है। वो फार्मरों, जो बड़े फार्म में देखा ना अपने बॉडी स्कोर कितना अच्छा है, वो इसीलिए लोग पैसा अपना खड़ा कर लेते हैं। इसको ड्राई पीरियड में ट्रांसडक्शन नहीं मिली हुई, मतलब पूछने बताने की बात नहीं है, गायें बोल रही है मेरे को ट्रांसडक्शन नहीं मिली ड्राई पीरियड में। ये कौन सी ब्याज की? सेकंड की है दोनों। दोनों सेकंड की है। कितनी उम्र होगी दोनों की? एक जैसी है? 4-4 साल के लगभग होगी। अच्छा। हाँ, है फुल माउथ,
वैसे देखिए लैक्टेशन खरीदा नहीं, पट्टा डाल के एक जैसी बना दी। नहीं, पट्टा भी उसको डालना है जिसकी शक्ल सूरत है, उसी को ही मेकअप जचना है। जिसकी शक्ल सूरत नहीं है वहाँ पे ब्यूटी पार्लर क्या करेगा? यहाँ टखने से ऊपर है, अपनी नजर से गाय खरीदी हुई है। तो कि ये दूध देंगी तो? ये 30+ वाली है, वो उधर वाली गाय 35 लीटर भी कर सकती है। कर सकती। हाँ जी। तो क्या दाम होगा इनका? भी सेम ही है, 90-90 है, 90-90 हज़ार है। 85-85 में दे देंगे। 80-80 में दे दो। नहीं, अब उड़ना कम बोलिए, 85-85 नहीं बोल रहा। गायों को कौन सी बीमारी लगने का ज्यादा खतरा रहता है? देखो अंकल, खतरा कैसे होता है, गाय बीमार क्यों होती है उसका कारण होता है। ज़्यादातर यहाँ खड़ी क्यों नहीं बीमार होती, गाय यहाँ से ट्रैवलिंग पे जाती है, डिहाइड्रेशन होती है, गाय के अंदर पानी निकल जाता है, गाय का जो चीज़ें मिनरल्स की ना खाने की वजह से, क्योंकि गाय ट्रैवलिंग में कम खाना खाती है, और कम खाना खाने से उनके मिनरल्स, जो एक बड़ा फार्म है एस्टेब्लिश किया हुआ उन्होंने सारा कुछ, वही बात आ गई ना, मिनरल्स उनके अंदर रेगुलर जाते हैं, वो 3-4 दिन हमारे, 2 दिन हमारे पास रही तो नहीं पड़े, रास्ते में गई तो नहीं पड़ते, और खाती भी नहीं है रास्ते में गाय। ये गर्मी में दिक्कत आती है, आगे सर्दी में नहीं आएगी। और सबसे पहला काम होता है गाय को सरद गर्म, जब जहाँ से गाय बीमार होना चालू होती है, सरद गर्म हल्का बुखार होएगा, 3-4, 5-3-4 ऐसे गाय सुस्त रहेगी, उसको सबसे पहले उसका अच्छा इलाज करो, बढ़िया उसको पहले तो नॉर्मल लगाओ, बैरोसिन प्लेन लगा दो, एनरो लगाना है, मेलोनेक्स प्लस लगा दो, कीटोप्रोफिन लगा दो, उसके अगले दिन उसको वन शॉट पे लेके आओ, पहले मत वन शॉट लगा दो, फिर 72 घंटे कोई दवा नहीं लगती, फिर अगले दिन उसको वन शॉट पे लेके आओ, अगर उसके साथ 15 ml बेलामेल लगाओ या मिकोवेट एक्सेल लगा दो, मिकोवेट प्लेन लगा दो कि गाय खाना खाए। और ट्रैवलिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एनर्जी बूस्टर, ये बहुत ज़रूरी है, एनर्जी बूस्टर ज़रूर होने चाहिए। एक गायों की स्ट्रेस के लिए, हीट स्ट्रेस के लिए और डिहाइड्रेशन के लिए वेगा लाइट करके 5 लीटर का कैन आता है, वेगा लाइट और वेगा लिव दोनों कैन जरूर हर कस्टमर लेके जाएं, वो दोनों मिला के चाहे आपकी गाय को थकावट है या नहीं है जरूर दें, 200 ml, एक नाल 400 ml की होती है, एक एक नाल सबको दें, 200 ml वेगा लाइट, 200 ml वेगा लिव जी। दूसरी चीज़ ये है अंकल, अभी समय चेंज हो गया, जैसे जो हम बातें गर्मियों में कर रहे थे, अभी मौसम चेंज हो गया है, तो हर किसान को, फार्मर को यही सलाह है, अब फिर दोबारा अपनी फीडिंग चेंज कर दे। अब इनको आप जो गर्मी में जौ दे रहे थे तो वापस इनको गेहूं पे लेके आ सकते हो, या खले दे सकते हो, जो जिन चीज़ों की तसील गर्म है, कपास की खल हुई, मक्की की खल हुई, ये नहीं कि 12 महीने सेम ही आप डाइट दे रहे हो, ये हमारे पंजाब के फार्मर करते हैं, हर बार फार्मूला चेंज करते हैं। दो गाय है। हाँ जी बिल्कुल जी, अंतिम। हाँ जी अंतिम। आज के लॉट की कौन कौन सी भी आती है? दोनों सेकंड की है, इधर वाली जो कच्ची है गाय 25 दिन, ये थोड़ी क्रॉस ब्रीड में है, वो बछड़ी प्योर है, साथ वाली। अच्छा अमित, एक हम देख रहे हैं। हाँ जी। जो प्योर में है इसका ये बीच में जो है, हाँ जी, उठा हुआ है। हाँ जी, उसका ऐसा उसका नहीं है। हाँ, उसका घिरा हुआ है पीछे से, जो पुट्ठा बोलते हैं। तो बाकी इसका बैक जो है वो बताती है। हाँ जी, बैक भी बताती है, फ्रंट माथा भी बता देता है, उसके कान ऊपर को उठे हुए हैं, मुंह छोटा है, उसका माथा गोल है, कान नीचे को है। अच्छा। गले पे भी उसके झालर है, जो क्रॉस वाली है, ये मांस लटका हुआ है, वो कसी हुई है बछड़ी, ये अंतर है। कितना दूध देने वाली है? जो प्योर वाली है ये बछड़ी देगी 28, 27, 28, 30 को टच कर जाएगी पीक लेवल पे, जो क्रॉस वाली है ये 25 लीटर करेगी। अभी वेट, बॉडी वेट में क्रॉस वाली हैवी है, लेकिन दूध वजन में नहीं है, दूध ब्रीड में है, क्वालिटी में है। स्किन बहुत सॉफ्ट है, इसकी चमड़ी पतली है। तो दोनों का क्या अंतर है दाम में? पता लगता है दाम में, मैं इनकी परचेसिंग ही बता देता हूँ आपको, वो हमने 68,000 की खरीदी है जो ब्रीड वाली है, ये 60,000 की खरीदी है जो क्रॉस वाली है। कितना दूध, एक बार फिर बता दो दोनों को। जो क्रॉस वाली है वो 25 पे जाएगी पीक पे, और जो प्योर वाली है ब्रीडिंग वाली, वो 30 को टच करेगी। हाँ जी।
तो हमारी शुभकामनाएं अमित भाई के लिए, आनंद गुजरात के लिए, और जहाँ भी इन्होंने गाय भेजी हैं सबके लिए हम शुभकामनाएं रखते हैं, इनके लिए भी शुभकामनाएं रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।